सभी को प्यार भरा नमस्कार। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज मैं आपको कुछ विषय विशेषज्ञ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह जो दी गई है उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मेरे हृदय के काफ़ी करीब थी और मैं चाहता था कि आज इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर उन चीज़ों को हमारे गांववाणी चैनल के माध्यम से भी हमें और ज़्यादा प्रसारित करना चाहिए, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचा सकें। दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कुछ विशेष रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता लगता है कि 80% लोगों को, मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित जो लोग हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता है टाइम पे। 15 करोड़ लोग तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कार्यस्थल पर किस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कार्यस्थल पर कई तनाव के कई कारण हो सकते हैं जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं, जैसे काम का बहुत अत्यधिक दबाव, आप जिस संस्थान में काम करते हैं उनसे आपके कार्यों में मदद नहीं मिलना, आपकी जो कार्य भूमिका है उसका अस्पष्ट होना, अपर्याप्त वेतन, कार्य संबंधित असुरक्षा, कौशल का उपयोग या सही उपयोग नहीं हो पाना, और इस तरीके से तनाव और उससे संबंधित जो मानसिक स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब कारणों से हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विशेष जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस की इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो भी कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है। तो कुछ जानते हैं कुछ विशेष टिप्स जिनके माध्यम से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से इस चीज़ से बचा जा सकता है। पर्याप्त नींद लें, संभव हो सके तो सोशल मीडिया से का सीमित उपयोग करें, अपने रिश्तों को महत्व दें और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ एक क्वालिटेटिव समय व्यतीत करें। जब कोई परेशानी अगर हो तो बिना हिचकिचाहट के मनोचिकित्सक और काउंसलर से मदद लें। स्वयं के लिए जो टाइम है वो थोड़ा दिन में ज़रूर निकालें, करीब 30 मिनट का समय ज़रूर निकालें। अपने घर और कार्यालय में एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर प्रियंक जैन कहते हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के मनोचिकित्सक हैं एवं काउंसलर हैं, उन्होंने 4AK कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा। 4A का मतलब, पहला A अवॉइड करना सीखें, 2A अल्टर करना सीखें, 3A एक्सेप्ट करना सीखें और 4A अडेप्ट करना सीखें। तो आइए चर्चा करते हैं अवॉइड के कॉन्सेप्ट पे। तनाव को समझकर उससे बचने का रास्ता निकालें, कार्य की प्राथमिकताएं तय करें, उन कार्यों की पहचान करें जिन्हें तुरंत किया जाना चाहिए और जिन्हें बाद में किया जा सकता है, इस तरह के कार्यों की सूची बनाएं और अपनी टू डू लिस्ट जो बनाते हैं आप उसमें इसको डिमार्केट करें। काम और जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई नया प्रोजेक्ट आपकी दिनचर्या पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है तो ना ज़रूर कहें, ना कहना सीखें। आपको चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा है अल्टर। तनाव को कम करने के लिए उन चीज़ों में बदलाव करें जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे कार्यस्थल पर अपने विचार और भावनाओं को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें, अपने वर्कलोड
को ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट को प्रभावी तरीके से लागू करें, जैसे बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर काम करें। कार्य को लेकर सहकर्मियों के साथ मतभेद हो तो बीच का रास्ता निकालें। जो चीज़ें बदली जा सकती हैं उनको अल्टर करने की कोशिश करें। थर्ड, एक ही अगर बात करें एक्सेप्ट की, तो कई बार क्या होता है, तनाव के कुछ कारणों को बदला नहीं जा सकता, असल में वे हमारे नियंत्रण से बाहर होते जाते हैं। उन्हें पहचानें और शांति से स्वीकार करें। उन्हें पहचान लेना चाहिए टाइम रहते हुए और स्वीकार करना चाहिए। कार्यस्थल पर चुनौतियों के अवसर के रूप में देखें, ताकि आपको स्पष्ट दृष्टिकोण मिल सके, तनाव कम हो सके। यदि आप किसी दौर से गुजर रहे हैं तो इसके बारे में किसी से बात करें, जिससे आपका तनाव कम हो और जिससे आपको समर्थन मिले। फोर्थ की बात करें अडेप्ट की, यानी स्वीकारना। अपनी अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में अनुकूलन लाकर ही तनाव से निपटा जा सकता है। कई बार काम को पूर्ण दक्षता से करने का प्रयास भी तनाव का कारण बन जाता है, इसलिए दक्षता पर ही पूरा फोकस करने की बजाय अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करें। और आप मानते हैं कि जब आप अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो कार्य स्वतः ही आसान लगने लगता है और अच्छा होता है। अगर आप सोचते हैं कि हमेशा काम अच्छा ही हो, इससे भी कई बार तनाव बढ़ता है। तो उन दिनचर्या में उन एक्टिविटीज़ को शामिल करें जिससे आपका मन शांत होता है। तो दोस्तों, गाँव वाणी चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना मैं बड़ा उचित समझता था, और आशा करता हूँ कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो अपने कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार से तनाव का सामना कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब होता जा रहा है।